एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इससे पहले जो हमारे दो सेशंस हुए थे, उन दोनों सेशंस में हमने डिस्कस किया था एसबीआई क्लर्क की जो मेन एग्ज़ाम अभी होने वाली है इस वीक में, वीकेंड में, उस एग्ज़ाम के हिसाब से आपके लिए कुछ क्या ज़रूरी हो सकता, क्या नहीं हो सकता, किस टाइप के और किस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने पिछले दो लेक्चर में डिस्कस की थी। मेरे डिस्कशन का पर्पज़ ये था कि आपके सामने मैं कुछ नए पैटर्न्स, क्वेश्चन पूछने के कुछ नए तरीके, कुछ नए क्वेश्चंस रखूँ आई बात ध्यान में, और उनका एक एनालिसिस आपके सामने पेश रखूँ कि जो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा सोचने पर मदद करे, थोड़ी सी और ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी जो है उसको एनरिच करे, और साथ ही साथ जहाँ संभव हो वहाँ पर जो ग्रामर एंड रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो भी आपके थोड़े बहुत क्लियर करता चले। बराबर, इसी कड़ी में आज का हमारा तीसरा सेशन है। आज भी मैं आपके साथ कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस अगेन फिर से बेस्ड रहने वाले हैं ग्रामर और वोकेबुलरी पर, ग्रामर और वोकेबुलरी पर आई बात ध्यान में। तो हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक बात ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपको अभी तक के हमारे जो भी लेक्चर्स है, वीडियोस वगैरह है, ये अगर नॉलेजेबल है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इनसे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो आपको बोलूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ आपके जो फ्रेंड्स है जो कहीं ना कहीं इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये लिंक भेजिए, और ताकि ये जो लेक्चर्स है ये लोग वो लोग ये लेक्चर्स देख सके और चैनल को सब्सक्राइब कर सके। ओके, सो लेट अस मूव ऑन। कल जो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, इट वाज क्या बोलेंगे क्लोज, जहाँ पर हमको एक पैराग्राफ दिया था, ये देखो अगर आपको याद होगा हमारा कल का लेक्चर, तो यहाँ पर हमको एक पैराग्राफ दिया हुआ था और उस पैराग्राफ में हर जगह पर हमको 10 अलग अलग नंबर्स दिए हुए थे 10 क्वेश्चन के लिए। हर एक क्वेश्चन में चार वर्ड्स हाईलाइट किए हुए थे और हमको ये बताना था कि इन दिए गए चार वर्ड्स में से कौन सा वर्ड गलत है। एक बार ध्यान में, एक वर्ड ऐसा था कि जो कहीं ना कहीं शायद गलत होने की जिसकी पॉसिबिलिटी थी और वो हमको लोकेट करना था। क्लियर। आज फिर से एक नए टाइप का क्वेश्चन है आपके लिए। सी, वो बोलता है कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम से, इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट Each of which is indicated by a number. Find the suitable word from the options given against each number and fill up the blanks with appropriate verb and mark the paragraph. लेकिन यहाँ पर जो है डायरेक्शन में भले दिया कि some of the words have been left out, but actually those words have not been left out at all. आई बात ध्यान में, words जो है वो words left out किए हुए नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो particular words आपको दिखाई दे रहे हैं उन वर्ड्स में, वन सेकेंड, वहां पर एक पर्टिकुलर वर्ड आपको दिया हुआ है जिसको मैंने अलग अलग कलर में करके रखा है। जैसे वन के लिए बैकड्रॉप है, टू के लिए, 22 के लिए टोल्ड है, सॉरी थ्री के लिए है मोबिलाइजिंग, फोर्थ के लिए है आपका एब्जुडिकेटिंग, फिफ्थ के लिए स्क्रैप्ड है, सिक्स्थ के लिए सोर्स्ड है। एक वर्ड ऑलरेडी वहां पर आपको दिया हुआ है, आपको ये डिटरमाइन करना है कि वहां पर दिया हुआ जो वर्ड है वो वर्ड वाकई में वहाँ पर लिखने के लिए राइट वर्ड है या नहीं है। आई बात ध्यान में, आपको ये चेक करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो वर्ड राइट है तो नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जो दिया हुआ वर्ड है वो दिया हुआ वर्ड राइट नहीं है, तो आपने क्या करना है, उस वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है। उस वर्ड को दूसरे वर्ड से वहाँ पर आपने रिप्लेस करना है जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है नीचे। बराबर, देखो जैसे फर्स्ट के लिए राइज हो गया, इविडेंस हो गया, इंक्रीज हो गया, रिकॉर्ड या नो इम्प्रूवमेंट। अगर ये दिया हुआ वर्ड जो है ये अगर बट प्रॉपर है, ये जो दिया हुआ वर्ड है ये अगर बट प्रॉपर है तो कोई हरकत नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो दिया हुआ वर्ड है ये सही नहीं है तो आप उसको रिप्लेस करोगे। कैसे रिप्लेस करोगे, रिप्लेस करने के लिए आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, चलो पढ़ते हैं। वो बोलता है अगेंस्ट द बैकड्रॉप्स ऑफ द अटैक्स ऑन इंडियन स्टूडेंट्स इन मिलान द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज Told citizens in Italy not to panic. बराबर, against the backdrops उसने बोला हुआ है। अब highlight करके जो word आपको दिया हुआ है that word is backdrop। जो word आपको highlight करके दिया हुआ है वो word कौन सा है, backdrop। Against the backdrop of attacks on Indian students in Milan। इटली का एक शहर है मिलान, और इटली के इस शहर में इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर जो अटैक हुए हैं, इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर जो अटैक हुए हैं, उन अटैक्स के चलते
एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, हमारी जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है वो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री हैज टोल्ड इंडियन सिटीजन्स, उस एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने इंडियन सिटीजन्स को कहा है। अब बैकड्रॉप्स का मतलब क्या होता है? बैकड्रॉप्स का मतलब होता है, वन सेक, एक्चुअली मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा इशू आ गया। हाँ, तो बैकड्रॉप्स का मतलब मैं बताता हूँ। बैकड्रॉप का मतलब हम लोग बोलते हैं पार्श्व भूमि, बैकग्राउंड जिसको बोलते हैं, पार्श्व भूमि या बैकग्राउंड, मतलब जो कुछ भी हुआ अगेंस्ट द बैकड्रॉप्स ऑफ द अटैक्स ऑन इंडियन स्टूडेंट्स इन मिलान। मिलान में इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर जो अटैक हुए हैं, मिलान में इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर जो अटैक हुए हैं, उस अटैक के बैकड्रॉप से, उस अटैक के बैकग्राउंड में। अब अगर इसको ये सही है तो आप बोलेंगे नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वर्ड गलत है तो इस गलत वर्ड को रिप्लेस करने के लिए आपके पास ऑप्शन है राइज, इविडेंस, इंक्रीज, रिकॉर्ड या फिर नो इम्प्रूवमेंट। मेरे लिए जैसे कि मैंने आपको बोला बैकड्रॉप शब्द जो है, इस बैकड्रॉप शब्द का मतलब है पार्श्व भूमि, आई बात ध्यान में, मतलब जो कुछ भी पहले हो चुका है उस आधार पर, जो कुछ भी पहले हो चुका है उसके आधार पर क्या हुआ है। इंडियन स्टूडेंट्स इन मिलान, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज टोल्ड द सिटीजन्स इन इटली नॉट टू पैनिक। वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ अटैक हुआ था और उस अटैक होने के कारण वहाँ की जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने वहाँ के लोगों को बोला हुआ है कि आप पैनिक मत हो करके, आप पैनिक मत हो। तो बैकड्रॉप्स वर्ड जो है ये मेरे लिए बट प्रॉपर है, बैकड्रॉप्स वर्ड मेरे हिसाब से वहाँ पर सही है, क्योंकि बैकड्रॉप का मतलब होता है पार्श्व भूमि, कि भाई जो कुछ भी हुआ उस पार्श्व भूमि पर या उस बेस पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने हैज टोल्ड सिटीजन, टोल्ड का मतलब होता है कहना, आप बोल सकते हैं ऐसा कि मिनिस्ट्री ने लोगों को ऐसा कहा है, लेकिन अगर ये टोल्ड के जगह अगर आपको रिप्लेस करना हो तो कौन कौन से वर्ड्स है आपके पास? और एस्केलेटिंग है, मॉनिटरिंग है, टेस्टिंग है या फिर लीडिंग है? वन सेक, एक्चुअली वर्ड यहाँ से कहाँ मिस हो गया। यस, दूसरे के लिए वर्ड है एंडोर्स्ड, अर्ज्ड, बेक, बैक्ड, रिप्रोच्ड और नो इम्प्रूवमेंट। जब आप बात करते हो कि हमारी जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, इस एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने लोगों को ऐसा करने के लिए कहा है, क्या कहा है कि आप पैनिक मत हो, बराबर, तो सिर्फ टोल्ड वर्ड बोलना जो है यहाँ पे, जो उन्होंने वर्ड बोला हुआ है TOLD, टोल्ड, ये सिर्फ टोल्ड बोलना थोड़ा सा प्रॉपर लगता नहीं है। जो वर्ड आपने यहाँ पर यूज करना चाहिए वो है अर्ज्ड, URGED, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है अर्ज्ड। अर्ज का मतलब क्या होता है? अर्ज में होता है एक मतलब रिक्वेस्ट, अर्ज का एक मतलब होता है स्ट्रांग रिक्वेस्ट, आई बात ध्यान में, अर्ज का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, विनवणी म्हणतो आपण खूप वेळा मराठी मध्ये, या फिर जिसको बोलेंगे ना किसी चीज को स्ट्रॉन्गली या फर्मली लोगों के सामने रखना बोले तो अर्ज। तो इस आधार पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज अर्ज्ड सिटीजंस इन इटली नॉट टू पैनिक। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स सुषमा स्वराज हैज रिसीव्ड अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द सिचुएशन इवन एज द स्टूडेंट्स मेट इंडियन डिप्लोमैट्स, बराबर। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स जो मिनिस्टर जो थे उस समय की, सुषमा स्वराज, ये कुछ साल, 2-3 साल पहले की बात है शायद, क्योंकि सुषमा स्वराज जो थी अप टू 2019, बराबर है, एक तक हमारे देश की जो है विदेश मंत्री थी, और लास्ट ईयर जो है उनकी डेथ भी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया है, हैज रिसीव्ड अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द सिचुएशन इवन एज द स्टूडेंट्स मेट इंडियन डिप्लोमेट्स। ये जो स्टूडेंट्स हैं ये वहाँ पर जाकर, जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको जाकर मिले और उनकी जो डिटेल्ड रिपोर्ट थी वो उन्होंने ली। वाइल मोबिलाइजिंग द इंडियन स्टूडेंट्स ऑफ देयर सेफ्टी द मिनिस्टर सेड। अब आप ये सोचो कि अगर स्टूडेंट्स जाते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के पास या मिनिस्ट्री के पास अपनी सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए, आई बात ध्यान में, तो ये जो आपकी मिनिस्ट्री होती है, ये आपकी मिनिस्ट्री क्या करेगी, मोबिलाइज करेगी उनको?
वाइल मोबिलाइजिंग द इंडियन स्टूडेंट्स बोलेंगे आप, या उसके जगह और कोई ऑप्शन आपके पास आएगा? तो ऐसे क्वेश्चन नंबर तीन के लिए जो ऑप्शन आपके पास दिख रहा है, अफर्मिंग, सिक्योरिंग, कंज्यूरिंग या एश्योरिंग, क्या लगता है आपको? ये जो मिनिस्ट्री होंगी या ये जो ऑफिशियल्स होंगे या ये जो डिप्लोमेट्स होंगे, ये स्टूडेंट्स को उनकी सिक्योरिटी के बारे में क्या करेंगे? अफर्म कराएंगे, सिक्योरिंग, कंज्यूरिंग या एश्योरिंग? कंज्यूर का एक तरीके से मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना बोलो, या फिर किसी को मोहित करना, या किसी को अपने वश में लेने की कोशिश करना, और एश्योर बोले तो उसको एक तरह की गारंटी देना, एश्योरिटी देना। तो ये लोग क्या करेंगे, मिनिस्ट्री क्या करेंगी लोगों को? एश्योर करेंगी ना। तो मोबिलाइजिंग के जगह जो वर्ड प्रॉपर है, या मोबिलाइजिंग के जगह जो वर्ड आपने लिखना चाहिए, वो वर्ड क्या है? एश्योरिंग। सो आप वहाँ पे क्या बोलेंगे? वाइल एश्योरिंग द इंडियन स्टूडेंट्स ऑफ देयर सेफ्टी, वाइल एश्योरिंग द इंडियन स्टूडेंट्स ऑफ देयर सेफ्टी, भारतीय स्टूडेंट्स को वहाँ पर उनकी सुरक्षा का एश्योरेंस देते हुए मिनिस्टर ने क्या बोला? सेड शी वॉज ओवर सीइंग द सिचुएशन, कि भाई मेरी पूरी सिचुएशन के पर नजर है। आई हैव गॉट द डिटेल्ड रिपोर्ट, किस बात को लेकर? ऑन अटैक्स इन मिलान, प्लीज डोंट वरी, आई एम एडजुडिकेटिंग द सिचुएशन पर्सनली। एडजुडिकेट, एडजुडिकेट का मतलब होता है जज करना, एडजुडिकेट का मतलब होता है जज करना। तो क्या वाक्य का मतलब मैं ऐसा समझूं कि जो मिनिस्टर है उन्होंने लोगों को कहा कि भाई मैं जो है इस सिचुएशन को पर्सनली जज कर रही हूं, मैं इस सिचुएशन को पर्सनली जज कर रही हूं, क्या ऐसा बोलना उचित होगा? या फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, एस्केलेटिंग, मॉनिटरिंग, टेस्टिंग या लीडिंग? सोचो ना आप, अपने आप को क्या करना चाहिए, आपने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रखकर देखने की कोशिश करो। कई बार सवालों के जो जवाब होते हैं ना, ये मिल जाते इससे। देखो आखिरकार इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। मैं एक आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। जब हम ये बोलते हैं कि लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का एक्सप्रेशन होता है। वो लीगल एक्सप्रेशन होगा, सोशल एक्सप्रेशन होगा, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होगा, पर्सनल एक्सप्रेशन होगा, फैमिली का एक्सप्रेशन होगा, स्पोर्ट्स का एक्सप्रेशन होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का एक्सप्रेशन है। अगर वो जो सिचुएशन है, वो पर्टिकुलर सिचुएशन में कई बार अगर आप अपने आप को रखकर देखते हो, और फिर उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो, तो मोर ऑफन देन नॉट अक्सर ऐसा होता है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर आने वाला जो आंसर है वो आंसर मिल जाता है। आप ये सोच के रखो कि भाई एक मिनिस्टर है, अभिवादन में वो मिनिस्टर लोगों को क्या बोलेंगे कि आई एम इस तरह की सिचुएशन है, लोग उसके सामने पास में गए हुए हैं, अपनी सुरक्षा का क्या बोलेंगे, जिसको अपनी सुरक्षा के लिए वे लोग फिक्रमंद है, और मिनिस्टर को बोल रहे हैं, मिनिस्टर उनको बोलते कि भाई आप चिंता मत करो, मैं सिचुएशन को पूरी तरीके से जज कर रहा हूँ। हाउ कैन यू जज द सिचुएशन? नहीं, मिनिस्टर ये बोलेगा या वो जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है वो बोलेंगे कि आप टेंशन मत लो, हम लोग इस सिचुएशन पर पूरी तरीके से अपनी नज़र बनाकर रखे हुए हैं, हम लोग इस सिचुएशन पर पूरी तरीके से अपनी नज़र बनाकर रखे हुए हैं, विच मीन्स टू से वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन, जो आपने जाना चाहिए। क्या बोलेंगे आप? वी आर मॉनिटरिंग। आई बात ध्यान में? सो आप जाओगे क्वेश्चन नंबर फोर के लिए ऑप्शन नंबर तीन के साथ, जो कि वर्ड आपका आएगा मॉनिटरिंग, जो कि वर्ड क्या आएगा? मॉनिटरिंग। यहाँ पर जो एक खास बात मुझे आपको सिखानी है वो यही थी, जो पूरा का पूरा डिस्कशन है इसमें शायद कौन से ऑप्शन के लिए कौन सा वर्ड आएगा वो मैटर नहीं कर रहा मेरे लिए, लेकिन ये पूरे के पूरे ये जो आपके सामने टेक्स्ट आज का रखा है मैंने, इसका मेरा पर्पस मात्र सिर्फ एक ये है कि आपको मैं ये बात बताऊं कि लैंग्वेज में कई बार आंसर्स इस तर्ज पर भी मिल जाते हैं कि आप अपने आप को उस सिचुएशन में रख के एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो। आफ्टर ऑल लैंग्वेज इज नथिंग बट एक्सप्रेशन, इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। सो वेन यू इमेजिन यूर सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, तो क्या होता है अक्सर मालूम है कि जो एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आ जाते हैं। लैंग्वेज में या लैंग्वेज के सेक्शन में कई बार अच्छा परफॉर्म न करने के पीछे का एक कारण ये भी होता है, ठीक है हमको समझ में नहीं आया, बात बराबर है, वो क्या बोले स्ट्रांग नहीं है, बात बराबर है, पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, बात बराबर है, ये सारी बातें बराबर है, और ये शायद बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, शायद बड़ी बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स है, और इन सब की तरफ हमने ध्यान देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक एज अ टीचर
मुझे लगता है कि एक चीज जो हम मिस करते हैं इन सबके पीछे का इसेंस या इन सबके पीछे का सार, जो चीज मेरे लिए सब्जी में और आटे में नमक के जैसी है, मेरी बात समझो, सब्जी में और आटे में नमक के जैसी है, बाकी सारी की सारी चीजें उसमें बहुत ज्यादा है, मिर्च नमक से ज्यादा पड़ती होंगी, मसाले नमक से ज्यादा पड़ते होंगे, नमक का जो अस्तित्व है बहुत छोटा सा है, लेकिन एक बात जरूरी है कि अगर वो नमक उसमें नहीं है तो आपकी जो सब्जी है वो टेस्टी बनने वाली नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पीछे का आपका जो इसेंस है, वो जो सॉल्ट इफेक्ट है, वो सॉल्ट इफेक्ट है आपका अपना एक्सप्रेशन। कोशिश करो, हर बार आप सफल होगे नहीं होगे शायद, वो बात अलग होगी, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को आप उस सिचुएशन में रख कर देखो। और कई बार ये होता है कि जब आप अपने आप को उस सिचुएशन में रख कर देखते हो तो मोर ऑफन देन नॉट, कई बार देन में आपको कुछ ना कुछ क्लू मिल जाता है कि क्या आ सकता करके, भले इस बात का क्लू न मिले कि क्या आएगा करके, लेकिन इस बात का तो कम से कम क्लू मिल भी सकता है कि भाई वहां पर क्या आने वाला नहीं है। और हम में से लैंग्वेज के सेक्शन में कई बार स्टूडेंट्स जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, उसके पीछे का एक कारण ये है। ये शब्द मेरे हमेशा ध्यान में रखना, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज इज नथिंग बट एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। तो जब तक अपने आप को उस आइडिया में और उस थॉट प्रोसेस में आप इन्वॉल्व नहीं करोगे, करेक्ट आंसर्स जल्दी से निकल के आने वाले नहीं है। आई बात ध्यान में? यही जो बात है, यही बात मुझे आपको इस पैराग्राफ के थ्रू समझा के देनी थी, बराबर? और अगर ये आपके समझ में आ जाए तो अगली बार जब कभी भी आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, मैंने जो आपको अभी इतना बताया उसको प्रैक्टिकली करके देखना, और जब आप उसको प्रैक्टिकली करके देखोगे, उसको करने की आदत डालोगे, तो आई कैन रेस्ट यू अश्योर्ड कि आपको बहुत सारे आंसर्स जो पहले नहीं मिलते थे वो मिलना चालू हो जाएंगे। तो मिनिस्टर विल से आई एम एडजुडिकेटिंग द सिचुएशन पर्सनली, मिसेस स्वराज सेड अ सोशल मीडिया मैसेज। द इंडियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन फॉर पोलोमी, बोले तो पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, सेड टू इंसिडेंट्स टुक प्लेस ओवर द पास्ट फ्यू डेज इन विच, ये जो स्टूडेंट्स का एसोसिएशन है इन्होंने बोला कि भाई पिछले कुछ दिनों में ऐसी कुल टोटल 5 घटनाएं हुई है। कितनी घटनाएं हुई है? सॉरी, पिछले 5 दिनों में ऐसी 2 घटनाएं हुई है ओवर द पास्ट फ्यू डेज इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल बीट अप अ स्टूडेंट, जिसमें से एक 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 घटना में क्या हुआ, एक लोगों के समूह ने एक इंडियन स्टूडेंट्स को मारा, बीट अप अ इंडियन स्टूडेंट्स एंड स्क्रैप्ड हिज मोबाइल फोन। अब ये सोचो, कुछ लोग आते हैं एक स्टूडेंट के ऊपर अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद उसका मोबाइल फोन क्या करेंगे वो? ऑब्वियस सी बात है, क्या करेंगे? उसके ऊपर अटैक किया उन्होंने और उसका जो मोबाइल फोन था, मोबाइल फोन उससे छीन लिया। भाई यही होगा ना मोबाइल फोन के साथ। आप बोल रहे हो स्क्रैप्ड, स्क्रैप्ड के अलग अलग मतलब होते हैं। वैसे जो SCRAP स्क्रैप शब्द है, इस स्क्रैप शब्द का एक मतलब होता है भंगार। स्क्रैप शब्द का मतलब क्या होता है? भंगार या पुरानी चीजें, इस तरह का मतलब होता है। तो मैंने क्या बोलना चाहिए? स्क्रैप्ड हिज मोबाइल फोन बोलना चाहिए, प्लग्ड हिज मोबाइल फोन बोलना चाहिए, सिक्योर्ड हिज मोबाइल फोन, स्नैच्ड हिज मोबाइल फोन, या ऑप्टेंड हिज मोबाइल फोन। ऑप्टेन यानी हासिल करना, कोई चीज प्राप्त करना। प्लग यानी होता है तोड़ना, हम बोलते हैं ना फ्लावर्स प्लग करो, डोंट प्लग द फ्लावर्स। आप अगर गार्डन में जाते हो तो वहां पर नोटिस बोर्ड पर लिखा होता है प्लग का मतलब होता है तोड़ना, डोंट प्लग द फ्लावर्स। फिर मोबाइल प्लग किया बोलूंगा मैं, मोबाइल सिक्योर किया बोलूंगा मैं, या मोबाइल स्नैच किया। स्नैच का मतलब क्या होता है? SNATCH स्नैच, SNATCH स्नैच, स्नैच का मतलब होता है छीनना। कुछ लोगों ने क्या किया, तो कुछ लोगों ने उसके पास का जो मोबाइल फोन था वो मोबाइल फोन छीन लिया। तो यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है आपको, कौन सा? स्क्रैप्ड। उस स्क्रैप्ड शब्द की जगह आपने जो शब्द यूज करना चाहिए वो है स्नैच्ड हिज मोबाइल फोन। एंड अनदर स्टूडेंट वॉज, Another student was scoured by a gang. Another student was scoured by a gang. या तो scoured word चलेगा आपको, या तो उसके जगह कौन सा शब्द आएगा? Pelted, swept, hurtled, assaulted, या फिर no improvement. Sweep, SWEEP, sweep. Sweep यानी होता है झाड़ना, बराबर है? हर्टल्ड, आई बात ध्यान में? थोड़ा सा हर्ट का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, और उससे जुड़ा हुआ शब्द है। एसॉल्टेड, एसॉल्ट का मतलब होता है अटैक। एसॉल्ट का मतलब क्या होता है? अटैक।
तो असोल्टेड का मतलब होगा अटैक्ड। अब क्या बोलना पसंद करेंगे आप, क्या कि एक तरफ एक इंसिडेंट में क्या किया, कुछ एक ग्रुप ने एक स्टूडेंट को बुरी तरीके से पीटा, तो दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरे इंसिडेंट में अनदर स्टूडेंट वॉज असोल्टेड बाय अ गैंग, और एक लोगों की गैंग थी या कुछ लोगों का ग्रुप था, उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया। जनरली जब हम गैंग शब्द यूज़ करते गैंग, तो वैसे जो वर्ड मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है गैंग का, गैंग मतलब होता है टोली, लेकिन किसकी, चोर लुटेरे डाकू बदमाश या इस तरह की प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं उनकी टोली को गैंग बोला जाता है, उनकी टोली को गैंग बोला। जनरली अच्छे लोगों का या अच्छे लोगों अच्छे पीपल का कलेक्शन अगर है तो उसको गैंग नहीं बोलते। गैंग वर्ड में ही जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग छुपा हुआ है, वो है चोर लुटेरे डाकू बदमाश, गैंग ऑफ रॉबर्स बोलते हैं हम, आई बात ध्यान में। तो इस तरह की प्रवृत्ति रखने वाले लोग नेचुरली क्या करने वाले हैं, किसी पर्सन के ऊपर हमला ही करने वाले हैं, आई बात ध्यान में। तो जो वर्ड आपने वहां पर यूज करना चाहिए वो है असोल्टेड बाय अ गैंग। फॉलोइंग दीज इंसिडेंट्स द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन मिलान ऑन मंडे इशूड अ या एन इंडक्शन इशू। अब क्या होता है कि हर एक देश को रिप्रेजेंट करने वाला एक ऑफिस फॉरेन कंट्रीज में होता है, हर एक दूसरे देश में एक ऑफिस होता है, आई बात ध्यान में। उस ऑफिस में जो ऑफिस बियरर होता है, जो ऊंची पोस्ट पर बैठा हुआ होता है, ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए अगर कुछ अलग अलग तरह के संदेश होंगे, दिशा निर्देश होंगे, ये बार बार जाहिर करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी जब किसी मुद्दे को लेकर या किसी चीज़ को लेकर लोगों के लिए अलग अलग तरह की सूचनाएं जारी की जाती है, जिसको हम गाइडलाइन बोलते हैं, और इसी को इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल टर्म है उसके लिए जो यहाँ पर आपको दी हुई है, एंड दैट पॉलिटिकल टर्म इज चेकलिस्ट नहीं है, रूलिंग नहीं है। रूलिंग का मतलब होता है ऑर्डर, RULING, रूलिंग का मतलब होता है ऑर्डर, खास करके ऑर्डर्स पास्ड बाय अ कोर्ट या ऑर्डर्स गिवन बाय गवर्नमेंट, आई बात ध्यान में। असिस्टेंस का मतलब हेल्प, सही शब्द होता है एडवाइजरी, गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है, एडवाइजरी इसके नाम में ही है, एडवाइस, एडवाइस है ना, एडवाइस से शब्द बना एडवाइजरी, एडवाइस गिविंग डॉक्यूमेंट, बराबर है, एडवाइस गिविंग डॉक्यूमेंट, जिसमें किसी न किसी तरह की एडवाइस दी जाती है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, बराबर है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, इस बात को लेकर एडवाइस दी जाती है। सो फॉलोइंग दिस इंसिडेंट्स द CJI इन मिलान ऑन मंडे इशूड एन एडवाइजरी टू इंडियन नेशनल्स, जो भारतीय लोग हैं वहां पर उनको, एंड स्टूडेंट्स, टू इंडियन नेशनल्स एंड स्टूडेंट्स, अर्जिंग देम नॉट टू पैनिक। देखो फिर से आपके सामने जो शब्द आया हुआ है वो अर्ज, आपको याद होगा ऊपर भी हमने जो लिया था टोल्ड, टोल्ड के जगह कौन सा वर्ड यूज़ किया था हमने, अर्ज। कई बार ये होता है कि इस तरह के पैसेजेस बोलो या क्लोज टेस्ट जब बोलो आपको दी जाती है, तो किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड आ सकता है, इसकी थोड़ी बहुत हिंट आपको पैसेज में आगे पीछे कहीं ना कहीं मिल जाती है। सो एंड अर्जिंग देम, क्योंकि अर्ज कर रहे हैं ना आप, अर्ज बोले तो एक तरह की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट की गई है इसीलिए इसको एडवाइजरी बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। द कॉन्सुलेट हैज़ रिसीव्ड रिपोर्ट्स of the unfortunate incidents of attacks on Indian students. देखो attacks word आया हुआ है यहाँ पे फिर से कि Indian students के ऊपर attacks हुए हैं, और इसी attack word के चलते ऊपर scowled की जगह पर हमने जो word लिखा था कौन सा, assault, वो but proper fit बैठा हुआ है, समझ में आई बात। अक्सर मैंने ये देखा हुआ है कि जो क्लोज टेस्ट के लिए पैसेजेस आपको दिए जाते हैं या जो इस तरह की एक्टिविटी के लिए जो पैसेजेस दिए जाते हैं, इनमें किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर ये वर्ड आया तो क्यों आया, बात ध्यान में। इसमें कुछ वर्ड्स को लेकर खास करके पैसेज में हिंट मिलता है आपको, पैसेज में आगे जाके या जहां पर वो वर्ड है उसके पहले कहीं ना कहीं एक हिंट आपको मिलता है, सिमिलर सिचुएशन में एक सिमिलर वर्ड का यूज कहीं ना कहीं आपको आगे आगे या पीछे मिलता है, जो गाइड करता है आपको कि यहां पर कौन सा वर्ड आना चाहिए। द अटैक्स ऑन इंडियन स्टूडेंट्स इन मिलान, ऑल इंडियन स्टूडेंट्स आर अर्ज्ड नॉट टू पैनिक, द कॉन्सुलेट is taking up this matter with the highest level of law and order authorities in Milan. उन्होंने बोला कि हम लोग मिलान की जो highest law and order authority है उनके साथ इस विषय पर जो discussion कर रहे हैं। The consulate said in the advisory posted, again जो advisory word मैंने लिया उसके लिए यहाँ पर आपको एक clue मिल गया, अगर आप देखेंगे तो, बराबर है, मिल गया clue, the advisory posted on social media platforms. However, GV Sandeep of the students association said
द स्टडी नीड्स टू बी कंप्लीटेड एंड अवॉइडेड डिस्क्राइबिंग द अटैक्स एज रेसिस्ट. रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, जब आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हो तो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो नेटिव है, उनकी स्किन का कलर और हम लोगों की स्किन का कलर अलग अलग है, उनकी स्किन टोन अलग अलग है. ये बात ध्यान में. तो यहीं पर से ब्लैक एंड वाइट का डिफरेंस जनरेट होता है, गोरा और काले का डिफरेंस. आई बात ध्यान में. हम लोग जो है, हम लोगों का स्किन टोन ब्लैक समझा जाता है और उन लोगों का स्किन टोन जो हमसे अलग है, दैट इज़ वाइट टोन. और ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पे धर्म को लेकर हम झगड़ते ना कि ये इस धर्म का है और ये इस धर्म का है, वहाँ पर उस तरीके से ये जो रेशियलिज्म है, ये अपना काम प्ले करता है, ये अपना रोल प्ले करता है. गोरे और काले का भेद होता है. तो जो वाइट टोन्ड लोग हैं, आई बात ध्यान में, वो ब्लैक टोन्ड लोगों को पसंद नहीं करते और इनके ऊपर अटैक करते हैं. तो इसी को बोला हुआ है डिस्क्राइब एंड अवॉइडेड डिस्क्राइबिंग द अटैक्स एज रेसिस्ट. फिर शायद मन में बात है कि भाई क्यों, शायद ये लोग जो अटैक करने वाले ये वाइट टोन्ड पीपल है, इसलिए गोरे और काले के फ़र्क को करते हुए हम काले लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? तो ये जो जीवी संदीप है, इसने बोला कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है. द स्टडी नीड्स टू बी कम्प्लीटेड. पहले स्टडी कम्प्लीट हो जानी चाहिए, स्टडी बोले तो. एंड अवॉइडेड डिस्क्राइबिंग द अटैक्स एज रेसिस्ट. वो बोलता पहले स्टडी कम्प्लीट हो जाने दो, और जब तक स्टडी कंप्लीट नहीं होती है तब तक इन अटैक्स को हमने रेसिस्ट बोलना नहीं है. तो स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक, या फिर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तब तक, रिसर्च कंप्लीट नहीं होती तब तक, सर्वे कंप्लीट नहीं होता तब तक, या ऑब्जर्वेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक. कोई क्राइम हुआ है ना, कोई घटना घटी है, और जब कोई क्राइम होता है या कोई घटना घटती है तो उस क्राइम की जो जाँच पड़ताल होती है उसको रिसर्च तो नहीं बोलते हम, उसको सर्वे तो नहीं बोलते हम, उसको ऑब्जर्वेशन तो नहीं बोलते. हाँ, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेशन ज़रूर बोला जाता है. क्या बोला जाता है? इन्वेस्टिगेशन. तो क्या बोलना चाहिए आपने वहाँ पे? स्टडी नीड्स टू बी कंप्लीटेड की जगह इन्वेस्टिगेशन नीड्स टू बी कंप्लीटेड. आई बात ध्यान में. फॉलोइंग द अटैक्स लोकल्स हैव रीच्ड आउट टू अस ऑफरिंग फॉर हेल्प. उसका ये बोलना था कि जब अटैक्स हुए तो अटैक्स होने के बाद लोकल्स हैव रीच्ड आउट, वहाँ के जो नेटिव लोग थे, जो लोकल लोग हैं वहाँ के, वो लोग हम तक आए हैं और उन्होंने हमको हेल्प ऑफर की है. आवर कम्युनिटी इज़ वाइडली टारगेटेड इन मिलान. यानी हमारी जो कम्युनिटी है, बोले तो इंडियन कम्युनिटी, इसको मिलान में बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है. टारगेट किया जाता है इसका मतलब हमारी कम्युनिटी के ऊपर जानबूझ के अटैक किए जाते हैं. अब ये सोचो, देखो दोनों सेंटेंसेस में कॉन्ट्रास्ट है या नहीं है. पहले उसने बोला कि भाई इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने दो और इस अटैक को रेसिस्ट अटैक मत बोलो. दूसरे सेंटेंस में बोला कि अटैक्स के बाद में वहाँ के जो लोकल लोग थे, वो लोकल लोग हम तक आए मदद ऑफर करने के लिए, और फिर आप बोल रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है. तीनों सेंटेंस में भाई किस तरीके का कनेक्शन बना? अगर हमारी कम्युनिटी को वाकई टारगेट किया जाता था तो लोकल लोग क्यों आते थे आपके हेल्प के लिए? एक अगला मुद्दा, इवन द मीडिया इन द सिटी हैज़ इंक्वायर्ड एंड एक्सटेंडेड ऑल सॉर्ट ऑफ हेल्प टू क्रिएट अवेयरनेस. यहाँ तक कि वहाँ का जो लोकल मीडिया है, उस मीडिया ने भी क्या किया हुआ है, हमको हर तरह की हेल्प ऑफर की है और ये बोला हुआ है कि भाई आप क्या करो, हम लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करें. तो फिर भाई आप कैसा बोल सकते हैं कि आपको टारगेट किया जा रहा करके? नहीं, टारगेटेड वर्ड वहां पर प्रॉपर नहीं है. फिर क्या आएगा? आवर कम्युनिटी इज वाइडली कंडेम्ड. कंडेम्ड बोले तो निंदा करना, यानी हमारी कम्युनिटी की निंदा की जाती है. या अप्रिसिएटेड, लोग हमारी कम्युनिटी को पसंद करते हैं. या क्रिटिसाइज, यानी आलोचना की जाती है. या इग्नोर किया जाता है. अगर भाई इग्नोर किया जाता था तो लोग मदद के लिए नहीं आते थे, मीडिया मदद के लिए नहीं आता था. कंडेम और क्रिटिसाइज किया जाता था तब भी मीडिया मदद के लिए नहीं आता था. मीडिया मदद के लिए आया, वहाँ के लोकल लोग जो है वो मदद के लिए आए, जस्ट बिकॉज ऑल दोज पीपल अप्रिसिएट यूअर कम्युनिटी. सारे के सारे लोग हमारी कम्युनिटी को क्या करते हैं? अप्रिसिएट करते हैं. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग टारगेटेड, यू शुड गो फॉर अप्रिसिएटेड. ये होता है जब आप दोनों अलग अलग, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे नया, मैंने सेंटेंसेस के बीच में जो कनेक्शन है, जो मीनिंग है, वो मीनिंग को ट्रेस किया. कि भाई पहला सेंटेंस जो है वो बोलता है कि उसमें उसने बोला कि भाई अटैक्स को अभी से रेसिस्ट अटैक मत बोलो. दूसरी तरफ उसने बोला कि लोकल लोग हमारी मदद के लिए आ रहे हैं. फिर भाई जब ये इस तरह की चीज़ें, इसका मतलब हमारे लिए कहीं ना कहीं वहाँ पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है. और अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तो आप ऐसा कैसे क्या बोल सकते कि हमारी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है करके? आगे, सो आई वॉन्ट टू स्टेट क्लियरली दैट इटली रिमेन्स अ सेफ प्लेस फॉर इंडियंस एंड इंडियन स्टूडेंट्स. अब अगर मुझे बताओ वाकई वहाँ पे टारगेटेड वर्ड बराबर होता कि हमारी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, तो वो बंदा आखिर में ऐसा क्यों बोलता था कि भाई इटली जो है भारतीय लोगों के लिए और भारतीय स्टूडेंट्स के लिए सेफ जगह है?
कैसे क्या है भाई, सेफ जगह, फिर आपको तो टारगेट किया जा रहा है। तो मिसमैचिंग है वो। यही बात ध्यान में। आगे, मिस्टर संदीप सेड व्हाइल एक्सप्लेनिंग दैट द अटैक्स वेयर लाइकली टू बी अ पार्ट ऑफ रेसिस्ट पार्ट प्लॉट। लाइकली टू बी बोलो तो पूरी संभावना है, लाइकली टू बी अ पार्ट ऑफ रेसिस्ट प्लॉट, यानी उसका मतलब क्या हो जाएगा मालूम है? मिस्टर संदीप ने ये बोला कि ये जो अटैक्स हुए, ये अटैक्स किसी रेसिस्ट प्लॉट का हिस्सा होने की पूरी संभावना है। रेसिस्ट प्लॉट मतलब वो जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया, गोरे और काले का। जबकि वो ऊपर ही बोल चुका है कि अवॉइडेड डिस्क्राइबिंग द अटैक्स एज रेसिस्ट, मतलब उसने इन अटैक्स को रेसिस्ट अटैक बोला ही नहीं है। फिर अगर उसने पहले इन अटैक्स को रेसिस्ट अटैक बोला ही नहीं है, तो वो बाद में ये कैसे क्या बोल सकता है कि भाई इन अटैक्स के पीछे कोई रेसिस्ट प्लॉट होने की संभावना है? ऐसा बोलेगा क्या? वो नहीं बोलेगा। इसलिए लाइकली वर्ड आपका फिट नहीं बैठेगा, आपको वर्ड चेंज करना पड़ेगा, और आपका जो वर्ड आएगा लाइकली का उल्टा आएगा अनलाइकली। यानी उसका मानना ये है कि यहाँ पर ये अटैक्स इस तरीके से जो है क्या रेसिस्ट अटैक होने की कहीं पर भी कोई संभावना दिखाई देती नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो ये जो पैराग्राफ मैंने लिया आज, मैंने आपने गौर किया होगा तो आज मैंने मार्क नहीं किया कहीं पर भी। मैं पिछले 2 दिन से क्या कर रहा हूँ, लगातार जो कुछ भी होता है वहाँ पर मीनिंग आपको लिख कर देता हूँ, मार्क करके देता हूँ। आज मैंने मार्क नहीं किया। मेरे मार्क न करने के पीछे का एक कारण है, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पर बैठोगे तो आपके सामने स्क्रीन पर पैसेज आने वाला है और आपको जो है पेन होगा आपके पास में, नो डाउट। लेकिन मुझे बताओ, आप कहीं पर भी स्क्रीन के ऊपर नहीं लिख पाओगे, ना आपके पास इतना टाइम रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप पेन यूज़ करोगे और वहाँ पर वर्ड नोट डाउन करोगे या कुछ। खास करके अगर इंग्लिश की बात करूँ मैं, तो इंग्लिश में जो पेन होता है, पेन का यूज़ बहुत मिनिमम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं पर अगर ये होगा आपका क्या सिक्वेंस ऑफ सेंटेंस, तो उसको प्रॉपर सिक्वेंस में लगाने के लिए आप पेन यूज़ कर लोगे। हो सकता है पैराग्राफ में एक आध बार एक आध दो वर्ड जो बीच में आ गए आपके ध्यान में रहे, इसीलिए आप पेन यूज़ कर लोगे। अदरवाइज जितना इस्तेमाल आपको पेन का करना होता है मैथमेटिक्स में, जितना इस्तेमाल आपको पेन का करना होता है रीजनिंग में, उतना यूज़ आपको इंग्लिश में कभी भी पेन का करना होता नहीं है। सारा का सारा खेल आपके सामने जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर आने वाला जो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट समझने के लिए ही आपको जो है अपना पूरा का पूरा अटेंशन पे करना होता है, पेन का यूज़ मिनिमाइज होता है। और इसीलिए आज मैंने कहीं पर भी पेन का यूज़ किया नहीं है। समझ में आई बात? इसीलिए मैंने कहीं पर भी क्या नहीं किया हुआ है, आज पेन का यूज़ किया हुआ नहीं है। क्लियर? यही सोच रहा हूँ। और आपके लिए भी जो है, आपके लिए भी आपका जो काम है वो क्या है कि आप सेंस जो है, सेंस पकड़ने की कोशिश करो, आप जो है सेंस गैदर करने की कोशिश करो। समझ में आई बात? जब आप ये सेंस गैदर करना सीख जाओगे, अरे भैया वहाँ से सीधा चले जाऊँगा आपको बोल रहा हूँ, तो आप अपने आप को उस सिचुएशन में रखो, जब आप अपने आप को उस सिचुएशन में रखोगे तो आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। समझ में आई बात? क्लियर? चलो चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन फिर से आपके लिए, फिर से इसी तरह का क्वेश्चन है, मैं फिर से पेन यूज़ करने वाला नहीं हूँ। क्वेश्चन आप समझेंगे, पर्पस दो है, एक आपको नए तरह के क्वेश्चन की कुछ आइडिया दी जाए, नए तरह के क्वेश्चन की आइडिया दी जाए, आई बात ध्यान में, नंबर एक। और नंबर दो, जो दूसरी चीज़ मुझे आपको बतानी है वो क्या है कि आपको जो है इस सिचुएशन में अपने आप को रख के देखना है, और इस सिचुएशन में अपने आप को रख के आपको क्वेश्चन के आंसर्स मार्क करने देखते कैसे, पहले डायरेक्शन पढ़ते। वो बोलता, इन द पैसेज गिवन बिलो देर आर ब्लैंक्स विच आर टू बी फिल्ड विद द ऑप्शंस गिवन बिलो। सिंपल सी बात है, क्लोज टेस्ट है, आपके सामने एक ब्लैंक स्पेस दी हुई है, उसको नंबर किया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, और हर एक ऑप्शन के सामने क्या किया हुआ है आपको क्या करना है, उसमें आपको कुछ वर्ड्स फिल करना है। फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट पेयर ऑफ वर्ड्स इन ईच केस विच कैन मोस्ट सुटेबली कम्प्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर देखो चेंज क्या है, उसका बोलना है appropriate pair of words, pair का मतलब होता है जोड़ी, यानी यहाँ पे आपको words की pair दी हुई होंगी। ये देखो, जैसे A में 5 options है, 5 options में हर एक option में 2 words है, control, delay, catch 22, agreement, bottlenecks, obstacle, traffic, congestion, restraints और facility। आप ऐसा option चुनोगे कि जिस option में आने वाले दोनों word वहाँ पर fit बैठने चाहिए। कोई एक वर्ड अगर फिट बैठता है तो आपका काम चलने वाला नहीं है।
आपके लिए वो ऑप्शन सही है कि जिस ऑप्शन के दोनों वर्ड्स, जिस ऑप्शन के दोनों वर्ड्स उस पर्टिकुलर ब्लैंक स्पेस में फिट बैठते हो। एक ऑप्शन या सॉरी किसी एक ऑप्शन का एक वर्ड अगर आता होगा तो वो चलने वाला नहीं है। है सिंपल सी क्लोज टेस्ट, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा एक छोटा सा ट्विस्ट जो है वो है इसमें। एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब आप बोलते हो कि दोनों के दोनों वर्ड्स वहाँ पर उस ऑप्शन में फिट बैठना चाहिए, इसी का मतलब ये होता है कि वो दोनों के दोनों शब्द जो है शुड बी सिमिलर इन मीनिंग, उनके अर्थ कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, तभी तो क्या कर सकेंगे वो एक ही जगह पर लिखे जा सकेंगे। ये छोटा सा क्लू जो है आपने ध्यान में रखना है, और इसको ध्यान में रखते हुए आपने क्या करना है, जो भी ब्लैंक स्पेसेस है इनको भरना है। देखते हैं, बोलता है द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राइज रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशंस यानी क्या होता है, सुझाव, रिकमेंडेशंस सजेशंस, बराबर है, TRAI ट्राई जो है। हमारे देश में कुछ बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ है, बड़ी बड़ी कंट्रोलिंग एजेंसीज है जो क्या करती है, एक पर्टिकुलर सेक्टर को कंट्रोल करती है। जैसे टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, TRAI ट्राई। देश का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करने का काम RBI करता है। इंश्योरेंस का जो सेक्टर है उस इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो। आई बात धन, उसी तरीके से जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में होने वाले जो शेयर्स की खरीद और बिक्री है और जो कंपनियों के पूरे कॉरपोरेट अफेयर्स है इनको कंट्रोल करने वाली एक अथॉरिटी है SEBI, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसी कुछ बहुत बड़ी बड़ी डोमिनेंट अथॉरिटीज़ हमारे देश में है। वन सच अथॉरिटी इज TRAI, जो क्या करती है टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने का काम करती है। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया हुआ है ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप लोगों ने सुना होगा, अभी आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे क्योंकि मेंस एग्जाम में करंट अफेयर्स का अच्छा खासा फोकस होता है। इस में कहीं ना कहीं शायद आपको ये जिक्र आया होगा, किस चीज़ का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैरामीटर्स पर भारत अभी कहाँ पर है, पहले कहाँ पर था, वगैरह वगैरह, सारी की सारी चीज़ें करंट की डिस्कशन में आती है कहीं ना कहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या होता है कि एक 10 पैरामीटर होते हैं और 10 पैरामीटर के आधार पर ये चेक किया जाता है कि कौन से कंट्री में बिजनेस करने के लिए जो है कंजीनियल एटमॉस्फियर है, या कौन से कंट्री में नया बिजनेस सेटअप करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें हर एक चीज़ देखी जाती है, वहाँ लैंड एक्वायर करना कितना आसान है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेना कितना आसान है, वहाँ पर अलग अलग तरह की बिजनेस करने के लिए लगने वाली परमिशंस और लाइसेंस लेना कितना आसान है, और ये काम जिस देश में जितना आसान होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वो देश उतना आगे होता है। तो इन्होंने जो था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में देश को आगे बढ़ाने के लिए टू एड्रेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एड्रेसेस की डैश फेस्ड बाय ऑपरेटर्स। इसमें इन्होंने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया हुआ है, ऐसे डैश पे फोकस किया हुआ है कि जिनका सामना जनरली मोबाइल ऑपरेटर्स को करना पड़ता है एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। अब ऑपरेटर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को किन की यानी इम्पॉर्टेंट डैश का सामना करना पड़ता है, कंट्रोल और डिले, कैच 22 और एग्रीमेंट, बॉटलनेक्स एंड ऑब्स्टेकल्स, ट्रैफिक एंड कंजेशन, रिस्ट्रेंट एंड फैसिलिटी। मैंने आपको क्या बोला, दो ऐसे वर्ड लगेंगे कि जो दोनों के दोनों वहाँ फिट होने चाहिए, और अगर दोनों वर्ड आपको एक ही जगह पर फिट कराने हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों वर्ड्स शुड बी सिमिलर इन मीनिंग। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, और डिले का मतलब होता है विलंब। कैच 22 का एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन। आई बात है, कैच 22 का मतलब क्या होता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन, किसी तरह की कोई अड़चन, किसी तरह की कोई रुकावट। और एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति। अब मुझे बताओ, कन्फ्यूजन, प्रॉब्लम, रुकावट और एग्रीमेंट, ये दोनों शब्द एक दूसरे के साथ कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। आई बात ध्यान में, जैसे मुझे किसी ने पूछा है कि सर कैच 22 का मतलब, तो मैंने आपको बताया कैच 22 का मतलब होता है प्रॉब्लम होता है, डायलेमा होता है, कन्फ्यूजन होता है। आई बात ध्यान में, दोनों तीनों अर्थ में यूज होता है ये वर्ड। अगला है बॉटलनेक्स। बॉटलनेक्स का मतलब होता है प्रॉब्लम, बॉटलनेक्स का मतलब होता है रुकावट, बॉटलनेक्स का मतलब भी होता है अड़चन, और ऑब्स्टेकल का मतलब भी होता है मंटो ना अपन अड़थड़े, रुकावट, अड़चन। अब कैच 22 और एग्रीमेंट, ये दोनों के दोनों शब्द सिमिलर नहीं है, लेकिन ये जो दो वर्ड्स हैं आपके, कौन से, बॉटलनेक्स एंड ऑब्स्टेकल्स, ये दोनों के दोनों वर्ड एक दूसरे के सिमिलर है, जिसका मतलब होता है रुकावट और अड़चन। और शायद यहाँ सेंटेंस में भी फिट बैठेंगे ना, कि भाई ये जो ऑपरेटर्स है या ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स है इनको रोज़
कई सारी अड़चनों का, रुकावटों का, मुश्किलों का, मुसीबतों का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं को क्या किया हुआ है, ट्राई ने जो रिकमेंडेशंस दिए उन रिकमेंडेशंस में इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के ऊपर उन्होंने बात की है, बराबर है। अ मेजॉरिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस वेयर रिटन। टेलीकॉम सेक्टर में जो गाइडलाइंस होंगी या जो भी पॉलिसीज होंगी या जो भी रेगुलेशंस यानी नियम कायदे होंगे, वेयर रिटन, कब लिखे गए होंगे, ये कायदे कानून कब बनाए होंगे, व्हेन द टेलीकॉम सेक्टर वाज डैश फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन 1990s। टेलीकॉम सेक्टर जो था पहले भारत में, सिर्फ और सिर्फ ये इसके ऊपर होल एंड सोल या मक्तेदारी बोलेंगे या मोनोपोली बोलेंगे हुआ करती थी गवर्नमेंट की, आई बात ध्यान में, सिर्फ एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी हुआ करती थी और उसी कंपनी के थ्रू जो है पूरे देश में टेलीकॉम सर्विसेज लोगों तक प्रोवाइड की जाती थी। बट 1990 के दशक में क्या किया, गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इनवाइट किया, प्राइवेट कंपनीज को बोला कि ठीक है आप भी क्या कर सकते हो, अपने प्राइवेट टेलीकॉम नेटवर्क जो है एस्टेब्लिश कर सकते हो। और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर पार्टिसिपेट करवाना था, इसलिए उस समय क्या किया था उन्होंने, कुछ पॉलिसीज डिजाइन की थी, कुछ गाइडलाइंस लिखे थे और कुछ रेगुलेशंस बनाए थे। कब, 1990s में, मतलब कब की बात हो गई, आज से 20-25 साल पहले या 30 साल पहले आज से। अब मुझे बताओ आज से 30 साल पहले की सिचुएशन और आज की सिचुएशन, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो 30 साल पहले की कोई पॉलिसी या 30 साल पहले की कोई गाइडलाइन या 30 साल पहले का कोई रेगुलेशन आज किसी काम का रहने वाला नहीं है, अभी बात ध्यान में। तो ये एक प्रॉब्लम थे, व्हेन द टेलीकॉम सेक्टर वॉज डैश फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन 1990। जब 1990 में टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए क्या किया गया था, ओपनड अप और अलाउड, ओपनड अप यानी खोल देना, अलाउड यानी परमिशन देना, इनिशिएटेड बोले तो शुरू करना, एक्सपोज यानी खुला करना, एक्सपांडेड यानी विस्तार करना, क्लोज यानी बंद करना, तो ये बात तो पक्की होगी, आप खुला बोलेंगे कि ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, अनफोल्ड करना, फोल्ड बोले तो घड़ी करना, बंद करना, अनफोल्ड बोले तो घड़ी खोलने, उघड़ने, रेगुलर बोले तो नियमित करना, ओरिजिनेटेड बोले तो उगम, शुरुआत, और सर्चड। अब मुझे बताओ ऐसे कौन से दो शब्द हैं कि जो दो शब्द एक दूसरे के मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग है और जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। मेरे हिसाब से वो वर्ड होनी चाहिए, व्हेन द टेलीकॉम सेक्टर वाज ओपनड अप और अलाउड फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। अभिवादन में जब इस टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के लिए क्या किया गया, ओपन अप किया गया। दीज रूल्स मे हैव बीन रिलेवेंट देन, रिलेवेंट बोले तो इम्पोर्टेंट, जिस समय ये रूल्स बनाए गए थे 1990s के दशक में, उस समय शायद ये रूल्स जो थे वो रिलेवेंट थे, बट दे आर नॉट एनी मोर, लेकिन आज इन नियमों की कोई व्यावहारिकता रही नहीं है। विद द इंडस्ट्री मैच्योरिंग, क्यों, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री दिन ब दिन मैच्योर होते चली जा रही है, एंड विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी वॉट वी नाउ नीड इज लाइट टच रेगुलेशन। तो उस समय के जो कड़े नियम, कड़े कायदे और कड़े कानून है वो आज किसी भी काम के नहीं है, आज हमको क्या चाहिए, लाइट टच रेगुलेशंस चाहिए, बोले तो बहुत हल्के नियम कायदे कानून। उस समय के इतने जो जटिल मुश्किल कायदे कानून होंगे, जो पॉलिसीज होंगी वो चलने वाली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टेलीकॉम ऑपरेटर्स स्टिल नीड लाइसेंसेस टू इम्पोर्ट नेटवर्क इक्विपमेंट। उस समय ज़रूरी हुआ करता था कि जो अगर आपको कोई नेटवर्क इक्विपमेंट इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वही प्रथा आज भी चालू है। फॉर एग्जाम्पल, टेलीकॉम ऑपरेटर्स स्टिल नीड लाइसेंसेस टू इम्पोर्ट नेटवर्क इक्विपमेंट, दिस इज अ मेजर बॉटलनेक। अब ये उनके रास्ते में आने वाली एक बहुत बड़ी रुकावट है, अड़चन है। देखो बॉटलनेक वर्ड आया वहाँ पे फिर से, आई बात में, ये उनके रास्ते की बहुत बड़ी अड़चन है, ये उनके रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है। एज गेटिंग अ लाइसेंस टेक्स अप टू 1 to 2 months, क्यों, क्योंकि लाइसेंस हासिल करते करते 1 से 2 महीने लग जाते हैं, बराबर। द मेन डैश ऑफ एन इम्पोर्ट लाइसेंस वॉज डैश टू इंश्योर दैट द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द डिटेल्स ऑफ इम्पोर्टेड इक्विपमेंट फॉर सिक्योरिटी। द मेन डैश ऑफ एन इम्पोर्ट लाइसेंस, इम्पोर्ट लाइसेंस का जो प्रमुख डैश था, बोले तो क्या था प्रमुख, रेगुलैरिटी या सर्कुलर, पर्पस या फेथ, इम्प्लीकेशन या एस्पिरेशन, ऑब्जेक्टिव या एम, प्रॉफिट और फ्रीडम, दोनों में से क्या, ऐसे कौन से दो शब्द है कि जो पहली पहली बात तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में, अब मैं बात करता हूँ कि करना क्या है आपने, क्योंकि आपको ये मालूम है कि आपके लिए जो दोनों शब्द है, दोनों शब्दों
आपका वहाँ पर उस ब्लैंक स्पेस में फिट बैठना ज़रूरी है। और इसीलिए ये बात ज़रूरी है कि जो दो वर्ड आप चुनोगे वो दोनों के दोनों वर्ड कैसे होने चाहिए, सिमिलर इन मीनिंग। तो आपकी पहली चॉइस तो ये होती है कि इसमें से जो सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स है उनको रखो और बाकी वर्ड्स को डिस्कार्ड करो। जैसे रेगुलैरिटी बोले तो नियमितता, और सर्क्युलर परिपत्रक जिसको आप बोलेंगे, या सर्क्युलर का मतलब होगा चक्रीय। अब नियमितता और सर्क्युलर, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के किसी भी एंगल से सिमिलर नहीं है। पर्पज़ यानी हेतु या उद्देश्य, और फेथ का मतलब होता है विश्वास, ये दोनों भी सिमिलर नहीं है। इम्प्लीकेशन और एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, इम्प्लीकेशन का मतलब हो सकता है प्रभाव या परिणाम, दोनों अलग अलग है। ऑब्जेक्टिव और एम दोनों शब्द एक है, ऑब्जेक्टिव और एम ये दोनों शब्द कैसे हैं एक, दोनों के दोनों शब्द कैसे हैं, दे आर सिमिलर इन मीनिंग। और फ्रीडम और प्रॉफिट दोनों अलग अलग है। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों शब्द सिमिलर इन मीनिंग है एक, दूसरी बात इसको ऑप्शन में रख के द एम ऑफ एन इम्पोर्ट लाइसेंस या द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इम्पोर्ट लाइसेंस वॉज, ये जो इम्पोर्ट लाइसेंस के पीछे को इम्पोर्ट लाइसेंस को कंपलसरी करने के पीछे का जो कारण था वो कारण क्या था, वॉज सोल्ली या हार्डली, हार्डली बोले तो मुश्किल से, सोल्ली बोले तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए, होल्ली यानी पूर्ण रूप से, क्वाइटली यानी सिर्फ, फाइनली और लवली, एब्सोल्यूटली और अलोन, मियरली या ओनली, बराबर। ऐसे कौन से दो वर्ड्स हैं इसके अंदर कि जो एक दूसरे के, एब्सोल्यूटली बोले तो पूर्ण रूप से, और अलोन का मतलब होता एक इकलौता, ऐसे कौन से दो वर्ड्स हैं कि जो एक दूसरे के आपको कंप्लीट सिमिलर इन मीनिंग दिखाई देते हैं, एंड दोज टू वर्ड्स आर मियरली एंड ओनली, सिर्फ, दोनों शब्दों का एक ही मतलब होता है, वो है सिर्फ। आई बात ध्यान में। तो ये जो इम्पोर्ट लाइसेंस को कंपलसरी करने के पीछे का गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट वॉज मियरली टू एंश्योर या ओनली टू एंश्योर, मतलब सिर्फ इतनी बात को सुनिश्चित करना था। क्या था, सिर्फ इतनी बात को सुनिश्चित करना, क्या, दैट द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द डिटेल्स ऑफ द इम्पोर्टेड इक्विपमेंट, कि जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उसको पूरी तरीके से जानकारी रहे कि इम्पोर्टेड इक्विपमेंट कौन कौन से है, फॉर सिक्योरिटी डैश सुरक्षा डैश, रीजंस या पर्पसेस, लॉजिक या इंटेंशन, लिमिट्स या एंगल्स, एस्पेक्ट्स या रैशनल्स, मोटिव या सेंस। क्या बोलेंगे आप, सिक्योरिटी के साथ कौन से दो वर्ड जोड़ना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, सिक्योरिटी रीजंस सुरक्षा कारणों से, रीजन या पर्पस, रीजन यानी भी होता है कारण और पर्पस का मतलब भी होता है हेतु, तो आई थिंक यू शुड गो विथ रीजंस और पर्पस, फॉर सिक्योरिटी रीजंस सुरक्षा कारणों से। क्या बोलेंगे आप, सुरक्षा कारणों से। दिस कैन नाउ बी इजीली डन, अब ये उस समय का नियम है, लेकिन आज क्या हो सकता है, बी क्यों नहीं हो सकता, चलो किसी ने पूछा है मुझे, मैं उसके ऊपर कमेंट करता। अगर आप बोलोगे सिक्योरिटी लॉजिक, लॉजिक बोले तो होता है तर्क, बराबर है, कौन किसने पूछा, निशांत, ओके, आपका पूछना है कि सर बी क्यों नहीं आएगा, तो देखो सिक्योरिटी रीजंस मतलब सुरक्षा कारण, और सिक्योरिटी पर्पस बोले तो क्या होता है, सुरक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। अब गवर्नमेंट ने या ये जो भी काम किया होगा कि भाई इम्पोर्ट लाइसेंस के पीछे का जो कंपल्शन लाए, कंपल्शन क्यों लाए, सुरक्षा कारणों से, ताकि गवर्नमेंट को ये मालूम रहे कि कौन कौन से इक्विपमेंट इम्पोर्ट कर रहे हैं, उन इक्विपमेंट से क्या होता और क्या नहीं होता। आई बात ध्यान में, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में जो है लोगों की, और ख़ास करके जो यूज़ करने वाले लोग हैं, इनकी सुरक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व है। आई बात ध्यान में, अगर आप ऐसे इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं जिससे आप क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोगों के बीच होने वाला जो कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा क्लोजली वॉच कर रहे हैं, आई बात ध्यान में, तो ये लोगों की सेफ्टी के साथ और लोगों की क्या बोलेंगे प्राइवेट लाइफ के साथ किया जाने वाला बहुत बड़ा खिलवाड़ है, और ऐसा गवर्नमेंट नहीं होने देना चाहेगी। और इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि ऐसी प्रोविजन रखी थी कि आप कोई भी अगर इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हो तो उसको इंपोर्ट करने से पहले आपको लाइसेंस लगेगा, ताकि हमारे पास उन इक्विपमेंट्स की पूरी लिस्ट रहे कि आपने क्या इंपोर्ट किया, इसके पीछे कारण क्या थे, सिक्योरिटी रीजंस वेयर देयर, इसके पीछे कारण था लोगों की और यूज़ करने वाले लोगों की सुरक्षा, और पर्पज़ ये उसका उद्देश्य। लॉजिक अगर मैं बोलूँगा तो हो जाएगा तर्क, लॉजिक अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, तर्क,
अभिवादन में। और इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है हेतु, उस काम को करने के पीछे की आपकी भावना, जबकि पर्पस का मतलब होता है वो काम करने के पीछे का आपका ऑब्जेक्टिव, या वो काम करने का आपका ऑब्जेक्टिव। इंटेंशन और पर्पस दोनों अलग अलग हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेरा पर्पस कुछ और होता है, लेकिन उस काम को करने के पीछे की मेरी जो भावना होती है, भावना अच्छी होती है। आई बात ध्यान में? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इंटेंशन और पर्पस के बीच का फर्क समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो अगर कोई फादर है और उस फादर को ऐसा लगता है कि भाई उसका जो लड़का है वो थोड़ा सा गलत रास्ते पर चले गए, अब उसका पर्पस है उसके रास्ते, उसके लड़के को सही रास्ते पर लाना। ये हो गया उसका ऑब्जेक्टिव कि मैं कुछ भी करूंगा लड़के को सही रास्ते पर लाऊंगा, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। और इस ये काम अचीव करने के लिए वो अपने लड़के के ऊपर कॉन्स्टेंटली वॉच रखता है, उसको डांटते रहता है, उसके ऊपर कंट्रोल रखता है, उसको घर से बाहर नहीं जाने देता, उसके दोस्तों की जो संगत है वो उसको छुड़ा देता, ये कर देता वो कर देता, या जो भी होगा वो बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करता है उसके साथ। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव कि उसको उसको सुधारना है, बट वो रूडली बिहेव कर रहा है। इसका मतलब क्या, उस लड़के के लिए रहने वाला मन में जो प्रेम होगा ये होगा वो सब खत्म हो गया क्या? नहीं, उसके पीछे की इंटेंशन अलग है। ऑब्जेक्टिव पूरा करने के हिसाब से बिहेवियर अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन उस सारे के सारे बिहेवियर के पीछे के जो इंटेंशन है वो इंटेंशन अलग है। दोनों शब्दों के बीच में डिफरेंस है, नंबर एक। आई बात ध्यान में? और सिक्योरिटी इंटेंशन नहीं बोलेंगे ना, सिक्योरिटी रीजंस बोला जाता है कहीं पर भी आप बोलें फॉर सिक्योरिटी रीजंस, कि भाई ऐसा किया क्या, ये कहीं पर एक प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी रैली होने वाली है, तो रैली जहाँ पर होने वाली है वहाँ से 2 किलोमीटर दूर पार्किंग रखा गया, काहे के लिए, फॉर सिक्योरिटी रीजंस। आई बात ध्यान में? तो वो जो वर्ड है आपका वर्ड बट प्रॉपर फिट बैठता है। और पर्पस और इंटेंशन में मैंने आपको फर्क समझा दिया, आई थिंक आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दिस कैन नाउ इजीली बी डन बाय आस्किंग द ऑपरेटर्स। अब बोलता है कि पहले इंपोर्ट लाइसेंस आप की कंपल्शन था, आज ये काम आप बिना इंपोर्ट लाइसेंस के कर सकते हो। कैसे? बाय आस्किंग द ऑपरेटर्स टू डैश पीरियोडिक रिपोर्ट्स ऑन इंपोर्टेड इक्विपमेंट। आज आप क्या बोल सकते हो ऑपरेटर्स को कि भाई जो भी इक्विपमेंट्स आपने इंपोर्ट किए इनकी एक पीरियोडिक रिपोर्ट आप क्या करो, यील्ड या डिपॉजिट करो। रिपोर्ट कैसे डिपॉजिट करेंगे? पैसा है तो पैसा डिपॉजिट किया जाएगा, रिपोर्ट कैसे डिपॉजिट होंगी? रिपोर्ट सबमिट हो सकती ना, रिपोर्ट डिपॉजिट तो नहीं हो सकती। ये दोनों शब्दों के बीच का फर्क हो गया आपका। यील्ड, यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल यील्ड बोलते हम। आई बात ध्यान में? गिव यानी देना, एक्यूमुलेट यानी जमा करना, लेकिन जमा करना बोलो तो ऑफिस में जमा करना नहीं होता। एक्यूमुलेट यानी ही एक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ वेल्थ, यानी उसने बहुत सारी संपत्ति जमा की इकट्ठा के लिए, घोड़ा के लिए। प्लेस यानी रखना, इंटरेस्ट यानी किसी को कोई चीज़ विश्वास के साथ देना, प्रिपेयर यानी तैयार करना, और ड्रॉप यानी वहां पर ले आकर छोड़ देना, बोलते हैं ना ड्रॉप दिस डॉक्यूमेंट्स इन दिस ड्रॉप बॉक्स। सबमिट यानी जमा करना, और फर्निश यानी भी जमा करना। जनरली बोला जाता है सबमिट द डॉक्यूमेंट और फर्निश द डॉक्यूमेंट। सबमिट द डॉक्यूमेंट या फर्निश द डॉक्यूमेंट, सबमिट यानी जमा कराना, फर्निश यानी रेफरल के लिए या रेफरेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स को सामने प्रस्तुत करना, वही आपका आंसर आएगा। ऑपरेटर्स टू फर्निश पीरियोडिक रिपोर्ट्स। समझ में आई बात? इस तरीके से क्लियर। तो आप लोगों ने मार्क किया होगा कि कई बार ऐसा होता है, ये दो पैराग्राफ में ही नहीं, अक्सर आप जब घर पे भी इस तरह के पैसेजेस लेकर प्रैक्टिस करते हो तब आपने देखा होगा कि जनरली पैसेज में कोई एक हाथ दो शब्द या एक हाथ दो ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि जिनके लिए क्लू उस पूरे के पूरे पैराग्राफ में ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं दिया हुआ होता है। तो अगर आपके एक बार वो क्लू ध्यान में आ जाए तो वो जो एक दो पर्टिकुलर ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस फील करना आपको थोड़ा सा आसान होता है, और आप कॉन्फिडेंटली ऑप्शंस फील कर सकते। और जो आज के दोनों पैसेज के डिस्कशन के पीछे का मेरी जो इंटेंशन थी और मेरा जो ऑब्जेक्टिव भी था वो यही था कि मैं आपको ये सिखाऊं कि ये जो कुछ भी है इज नथिंग बट कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन। तो अपने आप को उस कम्युनिकेशन और अपने आप को उस एक्सप्रेशन के दायरे में लेके जाओ, अपने आप को उस कम्युनिकेशन और उस एक्सप्रेशन की जगह पर रख कर देखो। और जब आप अपने आप को इस तरीके से उस कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन की जगह पर रख कर देखोगे तो कई सारे ऑप्शंस आपको आसानी से मिल जाएंगे। समझ में आई बात? ये अगर आप कर सके तो करके देखो, थोड़ा सा मुश्किल है अग्रीड, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत कारगर उपाय सिद्ध हो सकता है, खास करके इंग्लिश के रेफरेंस में। क्योंकि जब तक आप उसको फील नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को वहाँ पर इमेजिन नहीं करोगे, तब तक सॉरी टू से कई बार सही ऑप्शंस ढूंढ के निकाल के लाना आपके लिए पॉसिबल रहने वाला नहीं है। उसके पीछे का एक कारण ये भी, आखिरकार हम लोगों की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाहर हम अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर सकते।
मैं कितना भी क्यों ना बोलूँ कि हमको हमारी वोकेबुलरी बढ़ाना है, हमको हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, तो एक लेवल तक हम अपने आप को खींच सकते, एक लेवल तक हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते, उसके बाहर शायद ये हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता, या उसके बाहर हम कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते, वॉट एवर द रीजन्स में भी। अब लेकिन जो है जितना है मुझे उसमें ही क्या करना है, मेरे पास इतना नॉलेज है सर, मेरे पास इतनी वोकेबुलरी है, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, अब मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि इतने में मैं क्या करूँ, इतने में मैं क्या करूँ। आई बात में एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हम हमारे आसपास लोग देखते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जो करोड़ों रुपए महीना कमाते हैं, कुछ लोग ऐसे जो लाखों रुपए महीना कमाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हज़ारों रुपए महीना कमाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए दो वक्त की रोजी रोटी गुजारने के लिए भी जिनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर कोई 5,000 रुपये महीना कमाने वाला एक व्यक्ति और एक व्यक्ति 50,000 रुपये महीना कमाने वाला है, तो 5,000 रुपये वाला व्यक्ति 50,000 रुपये वाले को देखकर दिन भर रोता तो बैठा नहीं देगा कि यार मेरे पास एक जीरो कम है, मेरे पास एक जीरो कम है, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसा संसार करूँ, असत चालत नहीं ना भाई। वो 50,000 कमा रहा, वो अपने 50,000 में अपनी लाइफ को एडजस्ट करेगा। एक 5 लाख कमा रहा, वो 5 लाख में अपनी लाइफ को एडजस्ट करेगा। आई बात में जो 5 करोड़ कमा रहा, वो 5 करोड़ में अपनी लाइफ को एडजस्ट करेगा। मैं अपने लाइफ की कंपैरिजन उन लोगों से नहीं करता। व्हाट आई हैव, मेरे पास ये 5,000 है, और मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करते आना चाहिए कि जिसमें इस 5,000 रुपये में मैं अपना काम या अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकूँ। सेम लाइज विद द वोकैबुलरी कि सर इतना है, इसके बाहर नहीं जा सकते हम, इसके बाहर नहीं पढ़ सकते, एक लिमिट आएंगी कभी ना कभी। हालांकि मैं ये चाहता हूँ कि वो लिमिट और आगे आए, आई बात में वो लिमिट कभी ना आए, ऐसा मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोगों ने पढ़ते रहना चाहिए। बट होता है कई बार कि सर बस याच्या पेक्षा जास्त आता अभ्यास होतच नहीं इंग्लिश सर, मग आता काय करायचं। फिर इसका मतलब हमने उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि हम क्रैक ही नहीं कर पाएंगे एग्जाम, नहीं बिल्कुल नहीं। अब आप लोग ये सोचो कि इतना है ना आपके पास, अब इतने में बेस्ट क्या कर सकते हो आप, और इतने में बेस्ट करने के लिए आपको फिर कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। और वो जो आप कुछ ना कुछ अलग करोगे, वो जो कुछ ना कुछ नया करोगे, वो ये है कि यू शुड फील दैट कम्युनिकेशन, यू शुड फील दैट एक्सप्रेशन। जब आप उस कम्युनिकेशन को, जब आप उस एक्सप्रेशन को फील करने लगोगे, जब आप अपने आप को उस कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखने की कोशिश करोगे, तब आपके लिए शायद कई बार कई सारी मुश्किलें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। आई बात ध्यान में, इसको ध्यान में रखो, और ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना, यही मेरे इस आज के पूरे लेक्चर का या डिस्कशन का पर्पज़ था, और इसीलिए आज कहीं पर भी मैंने पेन का यूज़ नहीं किया। समझ में आई बात, फील करना शुरू करो उसको, अपने आप को उस कॉन्टेक्स्ट में रख कर देखने की कोशिश करो। समझ में आई बात, क्लियर? तो चलो आज का लेक्चर मैं यहीं पर रोकूंगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगा कि आई हैव गेन्ड सम नॉलेज थ्रू इट, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपके जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे जो इस तरह की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, उनके साथ भी लेक्चर्स की जो लिंक शेयर करते चलो, और उनको भी बोलो कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। ओके, फॉर द टाइम बीइंग।